तो नेम रिएक्शंस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है उसी से शुरुआत करते हैं। वैसे भी मैंने आपको कहा था कि अपन इंपॉर्टेंस वाइज ही नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कैरी दारो रिएक्शन, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैरी दारो रिएक्शन। तो ठीक है, अपन कैरी दारो रिएक्शन को पहले पढ़ लेते हैं। कैरी दारो रिएक्शन होता है एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, हैव अल्फा एटम, ठीक है। एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो अपन ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, ठीक है, उनको अपन बेस के में रिएक्ट करेंगे। तो बेस में अपन 50% एटलीस्ट कॉन्सेंट्रेशन तो होना ही चाहिए, KOH या फिर 50% NaOH होना चाहिए। तो कभी कभी अपन कहने जा रहा रिएक्शन, वैसे तो हम ये परसेंटेज लिखा होता है तब भी हमको पता चल जाता है 50% KOH या 50% NaOH। तो हम एल्डिहाइड्स ना विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो मेनली बेंजाल्डिहाइड जैसे होते हैं, सो एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, अगर उनको अपन रिएक्ट करेंगे 50% KOH या 50% NaOH के साथ, तो अपन कहेंगे उस केस में विल गेट, एक मिलेगा अपन को अल्कोहल और एक मिलेगा अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना, एक मिलेगा अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो अब ये वर्ड्स में अपन लिख सकते हैं, व्हेन अ एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम ट्रीटेड विद अ बेस, है ना, देन वी गेट द प्रोडक्ट, वी गेट अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं, जैसे अपने पास एरोमेटिक ये एल्डिहाइड्स हैं, तो ऐसे कौन से एल्डिहाइड्स होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। तो अपन एग्जांपल लिख लेते हैं भाई, ठीक है एग्जांपल बता दो आप। तो एक तो बेंजाल्डिहाइड हो गया, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। फॉर्मल्डिहाइड हो गया, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ऐसा हाइड्रोजन, ऐसा कार्बन एटम ले लेते हैं जिसके पास, जिससे एल्डिहाइड ग्रुप हो और उसके पास हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ये CH3 लगा देता हूं, यहां भी CH3 लिख लेता हूं, तो इसमें भी नहीं होगा। तो इस टाइप के एल्डिहाइड अगर हम कोई भी लिख लें, सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड हो सकते हैं, कोई भी एल्डिहाइड हो सकते हैं, तो अपन कहेंगे उनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। तो अपन चेक कर लेते हैं भाई उसमें रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो इफ यू टेक लाइक दिस ना, जैसे मेरे पास बेंजाल्डिहाइड है, इसमें दो मॉलिक्यूल से रिएक्ट करना होता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड। इसको अपन जब रिएक्ट करेंगे 50% NaOH या 50% KOH के साथ, तो विल गेट द प्रोडक्ट एज एक अल्कोहल, जैसे अपने कहा, तो एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अपन कहेंगे डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं लिखेंगे अपन, रीजन बिकॉज बेसिक मीडियम में एसिड थोड़ी लिख सकते हैं, तो अपन कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिखेंगे। तो अब एल्डिहाइड को रिड्यूस करो तो अल्कोहल बनता है, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तब तो मैं कहूंगा कि अगर सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हुआ और सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हुआ, देन इट शुड बी अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो ठीक है भाई, अपन कहेंगे दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब एक बार अपन मैकेनिज्म देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वेरी फर्स्ट रिएक्शन लिख रहे हो, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता होगा इसका। तो अपन एक बार एग्जांपल लिख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। अपन कहेंगे भाई ठीक है मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। मैकेनिज्म में मैं क्या करूंगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड को रिएक्ट करूंगा, ठीक है,
बेस के साथ रिएक्ट करूंगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा बिना दैट। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस। अपन कहेंगे भाई फिर तो मेरे पास ऐसे मिलेगा सी उस पे ओ नेगेटिव है ना, पर लिखेंगे भाई सी और उस पे ओ नेगेटिव, तो यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लिख लेंगे और अपन ओ एच लिख लेते हैं और एच लिख लेते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई अगर इन तीनों में चेक करेंगे ये दैट इज ये और ये, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप यही होगा, तो अगर हम चाहें तो इसको लीव भी करवा सकते हैं। लीव होगा तो वापस ही आ जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप यही होगा इन तीनों में, तो फिर अटैक करेगा वो एच नेगेटिव उस पर फिर वो बनेगा, तो मोस्ट इजिली तो यही लीव करेगा। लेकिन हम नेक्स्ट फिर अगर इससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो अपन नेक्स्ट के बारे में सोचेंगे कि इन दोनों में से किसका लिविंग एबिलिटी अच्छा होगा। तो ऑब्वियसली बात है हाइड्राइड का लिविंग एबिलिटी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू फिनाइल, वो ज्यादा इजिली माइग्रेट करता है क्योंकि उसका लिविंग एबिलिटी अच्छा होता है। तो अपन कहेंगे ये ना जो एच नेगेटिव होगा जब ये लीव करेगा है ना, तो विल से दैट कि भाई यहां पर जब ये शिफ्ट होगा तो रादर देन इसके शिफ्टिंग के फिर इन दोनों में से इसका लिविंग एबिलिटी अच्छा है, तो अपन क्या करेंगे जब ये यहां शिफ्ट होगा तो ये यहां शिफ्ट होगा क्योंकि इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अगर वो वहां शिफ्ट होगा तो विल गेट लाइक दिस, फिर तो अपन ऐसे बना सकते हैं, तो इसके पास डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा और इसके पास ओ एच बन जाएगा, ये अपने पास है और अपन कहेंगे इसमें ना ये अपने पास ऐसे बन गया, इधर हाइड्राइड आ गया, ये एच नेगेटिव अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा और अपने पास ये हाइड्रोजन होगा, ये बन जाएगा, ये एल्कोक्साइड है, दिस इज अ फेनोक्साइड फिगर, ये एल्को बेंजाइल एल्कोक्साइड है, तो ये एल्कोक्साइड है मतलब आर ओ नेगेटिव जैसे बिकॉज कार्बन है ना बीच में, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये तो एसिड, ये तो बेस है और ये एसिड है, तो क्या होगा एसिड बेस रिएक्शन होगा। वैसे भी अपन को पता है नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कम स्टेबल होगा यहाँ के कंपेरिजन में, व्हाट इज सो बिकॉज यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। तो अगर सोल्यूशन में दोनों, इन दोनों को ही सोल्यूशन में अगर रखूंगा तो ऑब्वियसली बात है प्रोटॉन एक्सचेंज तो अपने आप ही हो जाएगा, तो अपन इसको ऐसे कर सकते, ये मेरे पास बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा और यहां पर ये जो बनेगा अगर प्रोटॉन इसको देगा तो अपन कहेंगे ये बेंजोएट बन जाएगा। तो यहां पर क्या था, अपन ने बेस के लिए था एनए, तो अपन इसको एनए लिख सकते, ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया और ये सोडियम बेंजोएट बन गया, ये सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई दो मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करूंगा मैं, ये और ये रिएक्ट किया, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, तो अपन बता देंगे भाई कि अपन एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर, इस मॉलिक्यूल में पहले क्या करेंगे अपन, एक एल्डिहाइड होगा, एक एल्डिहाइड के डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे बेस अटैक करता होगा, जब बेस अटैक करता होगा तो वहां पर ओ एच नेगेटिव अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, किसी एक को लीव करना होगा, ओ एच अगर लीव करेगा तो फिर ऑब्वियसली बात है वही तो अटैक किया है तो एच नेगेटिव हो जाएगा, एच नेगेटिव हाइड्राइडाइन, दिस इज हाइड्राइडाइन, हाइड्राइडाइन अगर माइग्रेट करेगा तो ऑब्वियसली बात है इसके डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और अगर ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऐसे बनाएंगे तो फिर बता सकते हैं भाई हमारे पास बेंजीन जो बना अपने पास वो ऐसे बना कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो ये इससे एसिड बेस रिएक्शन हुआ, एसिड बेस रिएक्शन होगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, उसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं, तो एक अल्कोहल बन गया और एक सॉल्ट बन गया। अपन क्या कहेंगे अगर मेरे पास ये कंपाउंड्स के बने तो मैंने दो मोल्स यूज किए हैं, एक ये मोल एक ये मोल, लेकिन इसको देख के ये बता सकता हूं कि भाई जिस पे पहले OH अटैक करेगा, जिस कंपाउंड पे के कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे OH पहले अटैक करेगा कार्बोक्सिलेट उसी का एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड उसी से बनेगा, ये इससे बना कार्बोक्सिलिक एसिड है जिस पे पहले अटैक किया था OH में,
ठीक है, वैसे भी हमें याद रखने की जरूरत नहीं, हमें मैकेनिज्म से दिख रहा है किसको एसिड में कन्वर्ट करना है किसको बेस में। तो एक मॉलिक्यूल एसिड में कन्वर्ट कर दूंगा, एक मॉलिक्यूल बेस में कन्वर्ट कर दूंगा, विल गेट द आंसर। मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन के लिख लेता हूं, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने दो एल्डिहाइड लिखे हुए, एक ये और एक ये, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, और एक NaOH पर डिपेंड करेगा, दैट्स अ कैटलिस्ट, वी नो दैट OH माइनस एक बेटर, ये अपने पास गिवन है। तो अपन इसको देख के ये बता सकते हैं, दिस इज अ थर्ड ऑर्डर, दिस रिएक्शन फॉलोज थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सो द रिएक्शन फॉलोज थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, इसमें ये दोनों मॉलिक्यूल प्लस, तो वी आर एबल टू टेल दिस फॉलोज थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। दूसरा अपन यहां से लिख सकते हैं, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन, तो ऑब्वियस ही बात है इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऑल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आर रेडॉक्स रिएक्शन। अगर अपन कहेंगे कि बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसका अटैक फास्ट हो जाएगा, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, इफ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट, इन सबस्ट्रेट रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। चाहे तो एग्जाम्पल भी लिख सकता है, पर कहेंगे मान लेते हैं हमारे पास दो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड को आपने लिखा, अगर हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो अपन को 50% NaOH लेना पड़ेगा, तो आप इसमें प्रोडक्ट लिखते हो, एक तो अल्कोहल बनाते हो, दूसरा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, आपने मैकेनिज्म भी बताया। अगर मान लो मैंने इसमें NO2 लिख दिया और इसको भी NO2 लिख दिया, तो अपन कहेंगे फिर इस पे तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा विड्रॉइंग ग्रुप के होने से, तो फिर NaOH का कम कंसंट्रेशन होगा तब भी चलेगा, क्योंकि यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो लेस कंसंट्रेशन वाला NaOH भी पड़े चलेगा। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, या तो मैं कहूंगा कंडीशंस काफी माइल्ड हो जाएंगे, या फिर मैं और कम कंसंट्रेशन वाला NaOH भी चलेगा अगर इसमें विड्रॉइंग ग्रुप है तो, और अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो हमें इससे ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होगा, मतलब अगर OCH3 वगैरह ऐसा कुछ लिख दिया जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, तो अपन कहेंगे उस केस में फिर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH भी ज्यादा चाहिए अपन को। तो अपन यहां पर बता सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करोगे तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दूंगा। मैं दूसरा लिख सकता हूं इसमें, माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन विल टेक प्लेस, ये होता हाइड्राइड आयन विल टेक प्लेस। तो ये बात ध्यान रखना कि आपसे वो प्रोटॉन लिख के आपको बनाना दे कि माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन विल टेक प्लेस, ये प्रोटॉन थोड़ी है, एच पॉजिटिव थोड़ी माइग्रेट करता है, एच नेगेटिव माइग्रेट करता है, सो हाइड्राइड आयन माइग्रेट कर रहा है, नॉट अ प्रोटॉन। तो अपन बता सकते हैं कि हाइड्राइड आयन माइग्रेट करेगा, नॉट द प्रोटॉन। नेक्स्ट पॉइंट में अपन लिख सकते हैं, अगर हमारे पास ऑब्वियसली बात है कोई दूसरा भी ले लेते हैं अपन, जैसे अपने पास ऐसे गिवन है, कभी कभी एक दूसरा ऐसे क्वेश्चन टाइप लिख लेते हैं अपन, आपने ऐसे मुझे कोई क्वेश्चन दे दिया, बाद में मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस भी दूंगा, और इसको मैंने कहा आपसे कि मैंने ना इसको KOH से रिएक्ट करवाया, तो अपन को पता है कि भाई यहां कोई अल्फा बीटा एलिमिनेशन तो हो नहीं सकता, वाइट इज सो, क्योंकि अपन कहेंगे इसमें ना अल्फा बीटा एलिमिनेशन इसलिए क्योंकि यहां हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा इसका सब्स्टिट्यूशन करूंगा, मतलब इस पे
कार्बन पे ऐसे लिख दूंगा, दो ओ एच ग्रुप लिखूंगा, दो सी एल के लिए। तो अपन कहेंगे भाई दो ओ एच लिखोगे तो मैं इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दूंगा वाटर हटा के, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। अपन कहेंगे यहां पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो नहीं सकता, इसलिए सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि आपने वैसे कुछ यहां मेंशन नहीं किया कि मतलब ये क्या है, एक्वस या अल्कोहलिक, तो मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूं। अल्कोहलिक होता तो एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं, तो मैंने एक्वस अज्यूम करके ये कर लिया। अब जो एल्डिहाइड बना अपने पास उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो फिर मैं इसमें कैसे जरूर भी कर सकता हूं डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट कि भाई मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये गिवन है या फिर ये गिवन है, मैं दोनों में से कुछ भी प्रोडक्ट लिख सकता हूं। यहां पर अपन ने कैनिजारो किया तो अपने पास जो प्रोडक्ट आया वो ये आया, जो प्रोडक्ट आएगा अपने पास वो ये आएगा, एक अल्कोहल और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, तो मतलब रिएक्शन वो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि अपन से डायरेक्टली कैनिजारो ही पूछेंगे, हमसे हो सकता है एल्डिहाइड बनवाएंगे पहले बेंजाल्डिहाइड, उसके बाद फिर कैनिजारो करेंगे। ठीक है, विल रीड लाइक दैट, जो भी क्वेश्चन देंगे अपन करेंगे उसमें। ये कैनिजारो रिएक्शन। अब व्हाट आई विल से एग्जाम्पल के बाद मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ एक्सेस ऑफ एनएच इज यूज्ड, मतलब अगर यहां पर एनएच एक्सेस में लिखा हुआ है, बेस इज यूज्ड, अब वो एनएच भी हो सकता है और केएच भी हो सकता है। अगर आप एक्सेस ऑफ एनएच यूज करोगे देन रिएक्शन फॉलोज फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब अपन से अपन ने पढ़ा था काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन थ्री इज वेरी रेयर। इसमें तो अपन ने थर्ड ऑर्डर देखा और फिर आपने कहा कि भाई अगर एनएच को थोड़ा एक्सेस में यूज करेंगे तो फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। कैसे? मैं यहां पर 2 मोल्स ऑफ एनएच यूज करूंगा, थोड़ा सा मैकेनिज्म में चेंज आएगा। अभी मैकेनिज्म में चेंज आएगा तो विल राइट लाइक दिस, ये एनएच जो है बिफोर माइग्रेशन अगर ये एनएच एक्सेस में होगा तो इसको भी रिमूव करेगा, मतलब दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। पहले जब एक ही मोल एनएच था तो OH अटैक करने के बाद O नेगेटिव और OH था, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब ये शिफ्ट होगा तो H नेगेटिव को माइग्रेट किया अपन ने। लेकिन अगर आपने लिखा 2 मोल्स ऑफ NaOH तो एक मोल पहले इस पे अटैक करेगा और दूसरा मोल उस OH से H को रिमूव कर लेगा, मतलब अब ये भी O नेगेटिव है, ये भी O नेगेटिव है, इन दोनों में से किसी एक को माइग्रेट करना होगा, इसकी माइग्रेटरी एबिलिटी अच्छी है इसलिए यही लीव करेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आपने उससे कहा कि अगर 2 मोल्स एनएच है तो अपन ने एनएच लिखा, ओएच नेगेटिव को अटैक करवाया, आई गॉट लाइक दिस, ओ नेगेटिव था मेरे पास, इधर एच है, इधर मैंने ओ एच बना दिया, फिर मैंने इसको एनएच से रिएक्ट करवाया दूसरा मोल्स तो इसको रिमूव कर लिया, तो मेरे पास ऐसे बन गया, इधर भी ओ नेगेटिव है, इधर एच हो गया, इधर मैंने ओ नेगेटिव लिख दिया। अब क्या होगा? तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब तो इसमें से जो भी शिफ्ट करे ये तो यहां माइग्रेट करेगा ही करेगा, और माइग्रेट करेगा तो अपने पास क्या बनेगा,
ये उधर तो अपन एक और स्टेप पे आ जाएंगे, ऐसे इस मॉलिक्यूल पे शिफ्ट होगा, ये इस पे शिफ्ट होगा, तब अपन को ये मिलेगा। और मैं पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ पर, आप रुक जाओ एक मिनट, मतलब हटा लेता हूँ और उसके बाद ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने इसको फिर हटा लिया, थोड़ा और बड़ा बना दूंगा मैं, वहां तक तो अपन को पता ही है क्या कर रहे थे अपन। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, मेरे पास ये हाइड्रोजन, मैंने इस तरफ लिखा, इधर O नेगेटिव बन गया और ऊपर भी इधर O नेगेटिव है मेरे पास। तो अब लीविंग ग्रुप के लिए इन दोनों के अलावा कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन का लीविंग एबिलिटी अच्छा होता है, दैट इज तो वही लीव करेगा, माइग्रेट करेगा, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड O लिख लेते हैं, ये नो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो अगर वो लीव करेगा, हाइड्रोजन लीविंग ग्रुप अच्छा है तो अपन ऐसे बना देते हैं, ये तो एल्डिहाइड था अपने पास, तो दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का, तो जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो अपन कहेंगे भाई ये वाला हाइड्रोजन जो है ना आपका, ये इधर शिफ्ट करेगा पूरा एच नेगेटिव जैसे, माइग्रेट कर ले, तो अपने पास क्या बचेगा, ये डबल बॉन्ड बन गया, वो डबल बॉन्ड बन गया, ये ओ नेगेटिव रहेगा उसके पास, और प्लस ये एच नेगेटिव इसके पास माइग्रेट करेगा, ये बन गया अपने पास। अब उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो ये एल्कोक्साइड है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसके पास प्रोटॉन तो नहीं है लेकिन अपन स्ट्रॉन्ग बेस है तो अपन ऐसे तो बता ही सकते हैं भाई, दो मोल्स यूज किए थे आपने, बेंजोइक एसिड ऐसे लिख लेता, ये बन गया, बाद में हाइड्रोलाइज करोगे तो दोनों को, एक को एल्कोहल बना दिया, एक को कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो अगर ये एसिड है और ये एल्कोहल बन जाएगा, एल्कोक्साइड है, तो अपन कहेंगे फिर उस केस में फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब हो गया रेट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्डिहाइड भी दो मोल है और OH माइनस साइन भी दो मोल है, फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा अगर अपन को एक्सेस में गिवन है तो मे बी पॉसिबल अपन से फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए कैनिजारो का एग्जांपल पूछना, वैसे तो बहुत कम होता है फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन लेकिन कैनिजारो अपने पास एग्जांपल था। एक दूसरा लिख सकता हूं क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन, अब क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन का मतलब हुआ अलग अलग एल्डिहाइड यूज करो, मैं ठीक तो अलग अलग एल्डिहाइड अगर मैं यूज करूंगा तो सपोज ऐसे करते हैं, एक बार एल्डिहाइड एरोमेटिक ऐसे ले लेते हैं, एक बार और एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं, 50% एनी बच लेते हैं। अब अपन कहेंगे भाई इसमें से अलग अलग कर लो, तो अपन ऐसे कर देते हैं, एक पे NO2 लिख लेता है और एक पे कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी अलग अलग तो हो ही गया, इसमें NO2 है उसमें नहीं है, ये अलग अलग ले लिया मैंने एक पे उस। अब अपन क्या करेंगे, अपने पास 50% NaOH गिवन है, तो इनमें से एक एसिड बनेगा एक अल्कोहल बनेगा, इन दोनों में अगर मैं डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चेक करूंगा, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है, और मैकेनिज्म के हिसाब से जिस पे OH अटैक करता है पहले उसी का एसिड बनता है, तो इन दोनों में से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जिसके पास ज्यादा होगा उस पर पहले ओ एच अटैक करेगा, तो एसिड बेसिक तो बता देंगे, इधर इसका सॉल्ट बना देते हैं और इसका एल्कोहल बना देते हैं,
ये बनेगा हमारे पास, जिस पे पहले वो एच अटैक करेगा, सो एलडीएड विथ मोर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज विल फॉर्म सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक, वो एसिड का सॉल्ट बना देगा। अभी एक और पार्ट हो सकता है, अपन से पूछ सकते हैं। अब मैं इसको डालू, मान लेते हैं ये एग्जांपल हो गया, फोर्थ ऑर्डर वाला शायद ही कभी पूछें, लेकिन एडवांस में बिल्कुल पूछ सकते हैं बच्चे, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास एसिड और दूसरा एल्डिहाइड अपन एसिड, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई 50% NaOH लिख दो, दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव ये है, OH पहले इस पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट मेरे लिए फॉर्मिक एसिड बन जाएगा और इसका एल्कोहल बन जाएगा, इसका एल्कोहल बना दिया और इसका एसिड बन गया। अगर मेरे पास ऐसे भी बने और इस पे मैंने विट्राइन ग्रुप लगा दिया, सपोज ऐसे, तो फिर और 50% है ना, तो अपन कहेंगे इसमें तो विट्राइन ग्रुप, तो अपन कहेंगे OH को अटैक तो इसी पे करना चाहिए लेकिन करेगा इस पे, फॉर्मिक एसिड इज अ गैस, हैविंग हाई थर्मल एनर्जी, इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन्स में इट डजंट मैटर कि एल्डिहाइड में या कीटोन में कितना विट्राइन ग्रुप अटैच है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। रिएक्टिव ज्यादा तो फॉर्मेल्डिहाइड होगा क्योंकि इट इज द ओनली एल्डिहाइड और कीटोन विच इज इन गैसियस स्टेट, इसलिए रिएक्टिविटी तो हमेशा ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड की ही होगी। इसलिए जब भी आप क्रॉस्ड रिएक्शन लिखोगे, अगर फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया तो प्रोडक्ट तो उसी से बनेगा, एसिड तो उसी का बनेगा, तो अपन कहेंगे भाई इससे ही बनेगा एसिड, आप चाहे इसमें कुछ भी अटैच कर लो, बिकॉज फॉर्मेल्डिहाइड इज अ गैस। हाई थर्मल एनर्जी, तो थर्मल एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। बाकी आप पढ़ो सोचो, मैं मतलब आपको कुछ कंसेप्ट ऐसे है, मुझे लगता है कि तुम लोग पूछोगे तो बताऊंगा, अदरवाइज मतलब सब कुछ मैं ही बता रहा हूँ ऐसे ना, तुम लोग कुछ पढ़ो कुछ पूछो तो फिर मैं बताऊंगा, तो मैं वही सोच रहा हूँ बताऊं या ना बताऊं। अगर मेरे पास ऐसे क्या है तो आई हैव टू मॉलिक्यूल्स लाइक दिस, दैट इज अपने पास ये थाई थर्मल एनर्जी वाला पार्ट बैठा देता हूं, ये मेरे पास है। और मेरे पास ऐसे
मेरे पास दो मॉलिक्यूल गिवन है और मुझसे पूछा बिटवीन दीज टू विच इज अ बेटर हाइड्रेट डोनर, हाइड्रेट डोनर इन दोनों में से कौन सा मॉलिक्यूल अच्छा होगा जो इजीली हाइड्राइड डोनेट करेगा एच नेगेटिव। तो अपन कहेंगे देखो ये शिफ्ट होगा तो इसको लीव करना होगा, ये शिफ्ट होगा तो इसको लीव करना होगा, विच इज अ बेटर हाइड्राइड डोनर। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई इन दोनों में से अच्छा हाइड्राइड डोनर इसमें विड्रॉइंग ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसमें रिलीजिंग ग्रुप है नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी और ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। तो टू गेट रिड ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज ये एच नेगेटिव इजीली दे देगा। B is a better dihydrate donor because due to electron releasing group the negative charge on oxygen is unstable, charge is unstable, so to get rid of that negative charge वो H negative को easily दे देगा। अगर ये एच नेगेटिव को इजीली देगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों में से किसका बनना चाहिए, इसका या उसका? तो अपन कहेंगे देखो भाई हाइड्राइड डोनर इज अ डिफरेंट थिंग, आपने बताया था कि जिस पे OH पहले अटैक करेगा इस पे OH पहले अटैक करेगा, रीजन उस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था और जिस पे पहले OH अटैक करता है बेस उसका ही एसिड बनेगा और दूसरे का अल्कोहल बनता है, ये आपने बता रखा था। ये तो आपने सेपरेटली पूछा है कि अलग अलग मॉलिक्यूल है बताओ किसमें हाइड्रेट डोनर अच्छा अटैक होगा, तो अपन बता सकते दिस इज क्रॉस कैनिजार, क्रॉस कैनिजार में आपको बस यही देखना है कि किसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा मैं एसिड उसी का बनाऊंगा। इसमें तो आपने कंपैरिजन किया बस, एक में लिखूंगा इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेजार, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेजार रिएक्शन मतलब एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में दोनों एल्डिहाइड, ठीक अभी आप अलग अलग एल्डिहाइड ले रहे थे अब आप एक ही मॉलिक्यूल में दोनों एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है तो ठीक है एक को एसिड बनाऊंगा दूसरे को अल्कोहल बनाऊंगा, एक को एसिड बनाएंगे दूसरे को अल्कोहल बनाएंगे, तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है ग्लाइक्स तब भी अपन कहेंगे हमें फर्क नहीं पड़ता, राइट एक को अल्कोहल बनाऊंगा एक को एसिड बनाऊंगा सॉल्ट बनाऊंगा, तब भी अपन ऐसे बताएंगे। Even we can write like this also. ना तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है और ना ही इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। अगर मैं इसको NaOH से रिएक्ट करूं
इन दोनों में से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इसके पास होगा, उधर तो मीज मरी हुई है ना, जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में। तो अपन पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, मेरे पास ऐसे है। ये अटैक किया तो एक हाइड्रोजन भी तो है, इसको स्टेबलाइज करते हैं तो ये एच नेगेटिव को ना माइग्रेट कर देता है। ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे, तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो मेरे पास ऐसे है। ठीक है, प्रोटॉन उसको दे देंगे। वैसे भी आप प्रोटॉन देने के लिए कोई मतलब ऐसे थोड़ी है कि वो इधर ऐसे शिफ्ट होगा, वो तो पहले से ही ऐसे हो जाएगा अपने आप। तो क्या बन जाएगा अपने पास, लिख देंगे पीएच, एक एल्कोहल बन गया और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया सॉल्ट। ये लो भाई सॉल्ट, दैट इज द प्रोडक्ट। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन भी होते हैं, इंट्रा मॉलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन भी होता है। कंसेप्ट मैंने आपको सारे बता दिए, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो वी कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन की भाई ठीक है, वी कैन हैव क्वेश्चन प्रैक्टिस आल्सो। तो शीट में अपन को पूरा क्वेश्चन गिवन होगा काफी सारा, अपन उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट एक पॉइंट अपन ऐसा लिख लेते हैं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, बट इट डू नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है लेकिन फिर भी ये कैनिजारो की रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन बिकॉज इट गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन। भाई अगर आपको याद होगा तो आइडोफॉर्म रिएक्शन में अपन ने यही तो लिखा था, OH अटैक करेगा तो ये लीव करेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो अपन को क्या मिलेगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड OH बनेगा। तो प्रोटॉन एक्सचेंज कर देते हैं, ये क्लोरोफॉर्म बन गया आइडोफॉर्म बन गया डिपेंडिंग ऑन द हैलोजन्स। तो जैसे अपन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, विल गेट दैट दिस अ हैलोफॉर्म प्लस HCl, जो प्रोडक्ट बनता है वो अपन बता देंगे। तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा, इसको अपन इसलिए नहीं बोलेंगे कि इट इज अ कैनिजारो रिएक्शन। दूसरा आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड, हैव अल्फा एच एटम बट इट गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, तो अपन इनको एक्सेप्शन बोल दो जो मर्जी चाहे बोल दो लेकिन ये कैनिजारो रिएक्शन देता है, बट इट गिव्स कैनिजारो।
ये दोनों एक्सेप्शन अपन को ध्यान रखना। इसमें अल्फा डायनेटम है, लेकिन इस प्रोटॉन को हटाने से ना इधर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए ये नहीं बनता है। तो OH से रिएक्शन होता है और लीविंग ग्रुप अच्छा होता नहीं है, ये तो ये कहने जरूर देगा। एक ही एक्सेप्शन है इसलिए अपन ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, इसमें और कोई चेंजेस नहीं हो सकते। इसलिए अगर अपन चाहें तो ये भी सोच सकते हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल है जो कहने जरूर रिएक्शन देगा, इवन दो इट इज एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, लेकिन प्राइमरी कंडीशन जो अपन ने पढ़ी है अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। ये आपका कहने जरूर रिएक्शन। तो एक दो क्वेश्चन मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, तो वर्कर से कहने जरूर रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बता दो। वैसे मोस्टली तो मैंने पूछ ही लिया आपसे। इसको 50% केवल से रिएक्ट करते थे, तो क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट लिख लेते हैं, किसका एसिड बनाएंगे किसका अल्कोहल बनाएंगे।
शुरू करते हैं। इन दोनों में से ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसके पास होगा वो चेक करना पड़ेगा, वन के पास या फिर टू के पास। तो आप डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चेक करो पहले। अब दोनों ही एरोमेटिक है तो ऑब्वियसली बात है, अपन तो ऐसे चेक कर लेते हैं। जैसे मेरे पास ये तो इसमें डीलोकलाइजेशन चेक कर लेता हूं, अगर इसको यहां डीलोकलाइज करूंगा तो ये यहां आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा तो यहां भी आएगा, डीलोकलाइज होगा ना, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां, मतलब सारे बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहे हैं इसके साथ। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां शिफ्ट करते हैं तो इसको यहां शिफ्ट कर लेते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, लेकिन यहां नहीं आएगा। और अगर यहां नहीं आएगा तो उस रिंग में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तीन बॉन्ड से डीलोकलाइज है, इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सिक्स बॉन्ड से डीलोकलाइज है, तो ये ज्यादा डीलोकलाइज है, मतलब ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज टू के पास है। टू के पास ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो एसिड उसी का बनेगा जिस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। ये कोई बात नहीं, ये अल्फा कार्बन एटम है, ये एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। पहले एसिड बेस रिएक्शन कर देता हूं, तो ऐसे कर लूंगा। अब एल्डिहाइड का रिएक्शन कर दूंगा दो बार, के दो मोल्स ले लेता हूं, इसके दो मोल्स ले लेता है, तो एक को एक बार इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता हूं, एक बार अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेता हूं, दो प्रोडक्ट बना दूंगा। तो इसका एक बार अल्कोहल बना देता हूं और एक बार इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता हूं, इसको इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो उसका एसिड, तो सीएल वाले में एसिड बना देता हूं और इस वाले में सीएच थ्री बना देता हूं। फिफ्टी परसेंट है तो अल्कोहल बना, ये प्रोडक्ट्स। That is the answer. This is Kaneda reaction. इतना अपने लिए काफी होगा Kaneda reaction के लिए। Now we can have a next name reaction. Next name reaction में Beekman, we can write Beekman's rear. रीअरेंजमेंट, अभी रीअरेंजमेंट वर्ड अपन को पता है क्या करता है। रीअरेंजमेंट का मतलब है आप रिएक्टेंट दो, मैं उसको रीअरेंज करके प्रोडक्ट बताता हूं, दैट इज बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। तो बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में वी से दैट इसमें अपन क्या करेंगे, कीटो ऑक्सेम्स लें, इनको किसी भी एसिड पर रिएक्ट करेंगे, एनी एसिड और लुईस एसिड, कोई भी लुईस एसिड चलेगा, इट डजंट मैटर, कोई भी लुईस एसिड चलेगा। तो जब मैं इसको रिएक्ट करूंगा तो विल गेट एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स, and substituted amides, ये बनेंगे। तो ठीक है, अपन कहेंगे अगर n substituted amide बनेंगे तो देख लेते हैं भाई कैसे बन रहे हैं।
कीटोक्सिन्स मतलब दैट ऑक्साइड्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कीटोन्स, तो अपन ने पता है कैसे होते हैं, तो अपन इसको ऐसे बना देते हैं। ऑक्सीजन तो वो होते हैं जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड और एक ओएच होता है नाइट्रोजन के पास। तो टॉक्सेंस एल्डॉक्सेंस में तो हमने सिन और एंटी पढ़ा ना, ज्योमेट्रिक लाइसोमर सब एल्डॉक्सेंस सिन एंटी ज्योमेट्रिक लाइसोमर सब वो पढ़ा हुआ है। अभी व्हाट आई विल डू, मैं इसको ये करूंगा मैं तनी हासिल, और लुईस एसिड्स मतलब लुईस एसिड में मुझे PCl5 भी चलेगा, POCl3 भी चलेगा, SOCl2 भी चलेगा, SO मतलब कुछ भी मतलब एक्सेप्ट। मैं क्या करूंगा इसको ऐसे प्रोडक्ट बना दूंगा, C2H5 रहने दूंगा, इसको भी ऐसे रहने दूंगा और ऐसे प्रोडक्ट बना दूंगा रीअरेंज करके। OH को इस पे लिख दूंगा और CH3 को इस पे लिख दूंगा, दैट इज अ रीअरेंजमेंट व्हाट आई हैव टू डू। मतलब मैंने यहां पर जो OH अटैच था ना तो मैंने इससे अटैच कर दिया, और यहां पर जो CH3 अटैच था वो मैंने इससे अटैच कर दिया, ये रीअरेंज करना है बस, तो बेसमेंट तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो अपन को जो प्रोडक्ट मिलेगा ना दैट इज लाइक दिस, दैट इज आपने लिखा ये बनेगा आपके पास है। मैंने सिर्फ बनाया कि कैसे रीअरेंज कर देंगे अपन, है अपन को पता है कैसे रीअरेंज आप कर दोगे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आपने लिखा C2H5, C पे OH लगाया, डबल बॉन्ड लिखा और N पे CH3 लगाया, इट्स अ इनॉल फॉर्म, टॉटोमराइज करो यू विल गेट द प्रोडक्ट। अगर आप टॉटोमराइज करोगे तो विल गेट C2H5, C डबल बॉन्ड हो NH एंड CH3, N मिथाइल प्रोपनामाइड। N मिथाइल प्रोपनामाइड बन गया, दैट इज व्हाट आई मीन बाय द N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स विल बी फॉर्म। अपन कहेंगे चलो एक बार देखते हैं कि क्या हुआ होगा। आपने H प्लस साइन से रिएक्ट करवाया लोन पे, नाइट्रोजन पे भी H प्लस साइन अटैक कर सकता है, उस पे भी कर सकता है, बट वहां पर वाटर लिविंग ग्रुप होगा, यहां ऐसा कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं, और ऑर्बिटल साइज भी छोटा होगा तो ये एसपी टू हाइब्रिडाइज है। तो OH पे H प्लस साइन को अटैक करवाया, आई गॉट C2H5, आई गॉट CH3, आई गॉट डबल बॉन्ड, आई गॉट N OH2, अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस, दिस अ गुड लिविंग ग्रुप। अगर ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो अपन क्या करेंगे, इसको लीव करवा देते हैं। अगर इसको लीव करवाऊंगा तो व्हाट आई गॉट इज C2H5 मिला मेरे पास, CH3 मिला मेरे पास, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऐसे ना लोन पेयर है और पॉजिटिव चार्ज। अपन कहेंगे दिस इज अनस्टेबल, तो अपन कहेंगे ठीक है अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ऐसे शिफ्ट कर देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, डबल बॉन्ड है तो ये C2H5 होगा, कार्बन होगा, CH3 होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, एन इस पे लोन पेयर, एक और लोन पेयर, फिर भी इस पे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं होगा। फिर तो अपन कहेंगे ये जो बना ना ये नाइट्रीन है, नाइट्रीन क्या होता है, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड हो, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो वो नाइट्रीन होता है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और नाइट्रोजन ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा जिसमें उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, वो अनस्टेबल होगा,
और ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज, वो तो नहीं बनाने वाला। इसका मतलब ये खुद ही नहीं बनेगा तो ये कैसे बनेगा? तो फिर अपन कहेंगे जैसे जैसे OH लीव कर रहा होगा वैसे वैसे ये ग्रुप माइग्रेट करके इस पे आ रहा होगा। मतलब जब OH लीव कर रहा होगा तो CH3 ये 1-2 शिफ्ट जैसे होता ना, ये 1 हो गया 2 हो गया, तो ये 1-2 शिफ्ट हो रहा होगा, माइग्रेशन हो रहा होगा, तो वैसे बन रहा होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। फिर तो अपन कहेंगे वो माइग्रेट करेगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इधर नाइट्रोजन, इसके पास CH3 आ गया और इधर एक लोन पेयर था और ये निकल गया, तो अपन पॉजिटिव ऐसे डबल बॉन्ड बना लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बन जाएगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बट नॉट ऑन द नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो फिर कहेंगे वाटर ऐड कर दो, वाटर ऐड करूंगा तो यहाँ OH ऐड हो जाएगा, मैं ऑक्सीजन 18 ऐड कर लेता हूँ। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, C2H5 है, C हो गया, इस पे एक ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड N कर लेता हूँ और इस पे एक लोन पेयर और एक CH3 है, ये ऑक्सीजन 18 है। टोटमराइज कर दो, यू विल गेट द प्रोडक्ट। तो क्या बनेगा अपने पास, C2H5 हो गया, C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन 18 हो गया और NHCH3 हो गया, दैट इज द N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, प्रोपनामाइड। मैंने ऑक्सीजन 18 इसलिए ले लिया कि अपन को यह पता रहे कि जरूरी नहीं है कि यही वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच होगा। अगर हम इसमें एक्वस एसिड ले रहे हैं, एनी एसिड लिखा आपने, अगर एक्वस एसिड ले रहे हैं तो वाटर से अपन एक्सचेंज भी कर सकते हैं, मतलब वहां पर एक्सचेंज भी हो सकता है। अपन वहां एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो ठीक है, विल गेट दैट एन सब्स्टिट्यूट अमाइड्स। अब इसमें अपन कहेंगे आपने माइग्रेशन, ये तो 1-2 शिफ्ट है, 1-2 मिथाइल शिफ्ट किया। अब मैंने CH3 माइग्रेट किया इंस्टेड ऑफ C2H5, किसका माइग्रेटरी एबिलिटी ज्यादा अच्छा होता है, CH3 का या C2H5 का? माइग्रेटरी एबिलिटी ज्यादा किसका अच्छा होगा? तो अपन कहेंगे लार्जर द एल्काइल ग्रुप बेटर विल बी द माइग्रेटरी एबिलिटी, है ना? तो फिर अपन क्या करें, अपन कहेंगे देखो भाई माइग्रेशन तो इसका होना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं इसको माइग्रेट करता ना इधर, तो ये एक तरीके से वैसे होता ना सिन एलिमिनेशन, आप इस बॉन्ड को इधर लेके आ रहे हो और इस बॉन्ड को निकाल रहे हो, तो ये सिन एलिमिनेशन जैसे हो जाता है, एक ही तरफ से दोनों को एलिमिनेट करना। और इधर से इसका माइग्रेशन ऐसे हो रहा था और ये इधर माइग्रेट हो रहा था, तो वो एक तरीके से एंटी एलिमिनेशन जैसे हो गया, और एंटी एलिमिनेशन इज ऑलवेज मोर प्रेफर्ड देन सिन एलिमिनेशन, पर ये बोल देंगे इसमें रिएक्शन इज स्टीरियोस्पेसिफिक। ओके, रिएक्शन हमेशा स्पेसिफिक होगा, माइग्रेशन उस ग्रुप का होगा जो OH के एंटी पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स माइग्रेटरी एबिलिटी, बिकॉज द ग्रुप प्रेजेंट एट एंटी पोजीशन with respect to OH will always migrate irrespective of the migratory ability. ऐसे बता सकते, मतलब हम उसमें माइग्रेटरी एबिलिटी चेक नहीं करेंगे, हमेशा वही माइग्रेट करेगा जो इसके 180 पोजीशन पे होगा।
ठीक है भाई। तो अगर ऐसे हुआ तो क्या करें, मान लो मुझे ऐसे दिया, मुझे ऐसे लिख के दे दिया, अब क्या करूं भाई? इसमें तो मैं ये बता ही नहीं सकता ना कि इसके एंटी पोजीशन पे है कौन। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, दो प्रोडक्ट बनाओ, एक बार पीएच को माइग्रेट करो, एक बार सीएच3 को माइग्रेट करो, तो एक बार ऐसे प्रोडक्ट बना लेना और एक बार किसको माइग्रेट कर देना, पीएच को माइग्रेट कर देना, तो एक बार ऐसे बन जाए। ऐसे बन जाएगा। तो दोनों ही केस में अमाइड्स बने, मतलब बनने का भाई यहां पर एक कंपाउंड था जिससे अपन को ए ये मिल गया और बी ये मिल गया। अगर मुझसे ये कहा जाता ना कि बस ये वाला प्रोडक्ट बनता है, तो मुझे ये पता चल जाता कि पीएच ओएच के अपोजिट में रहा होगा, मतलब ओएच नीचे की तरफ रहा होगा, क्योंकि जो ग्रुप माइग्रेट करता है ओएच उसके अपोजिट में होता है। ये आपने कहा होता कि सिर्फ ये बनता है ये नहीं बनता, तो मैं कहता अच्छा CH3 ओएच के अपोजिट में रहा होगा। अपन को थोड़ा बहुत ऐसे भी बोल सकते हैं इसका, अपन को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया और बताया गया कि दिस इज ऑक्सेन कीटोक्सेन, और अपन से बताया गया कि इसको अगर एसिड में रिएक्ट करो तो दो प्रोडक्ट, दो इसको एसिड में रिएक्ट करो तो एक ही प्रोडक्ट बनता है। मुझे इन दोनों का फॉर्मूला नहीं गिवन है, मतलब किसी एक का फॉर्मूला नहीं गिवन है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बोला आपने, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है उसके हाइड्रोलिसिस से एनिलीन बनता है, मतलब PHNH2 बनता है, तो ठीक है इसका मतलब ये रहा होगा क्योंकि इसका हाइड्रोलिस अमाइड है ना, हाइड्रोलिसिस करूंगा तो PHNH2 बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मिथाइल अमाइड बनेगा और बेंजोइक एसिड बनेगा, तो आप ऐसे भी बता सकते हो। ठीक है, we can write the Bakewell's rearrangement like this. तो ये Bakewell's rearrangement है, इसमें मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों, क्योंकि हमेशा वही ग्रुप माइग्रेट करेगा जो OH के अपोजिट में होगा। तो इससे क्या बोले NH का लोन पेयर पीएच के साथ कंजुगेशन में, तो उससे क्या, तो CO के साथ होगा, तो अमाइड में तो हमेशा ही होता है, उससे क्या कोई बात नहीं, लोन पेयर वो तो इसमें भी होगा, उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें आपने प्रोडक्ट बताया, हमें तो बस पजल जैसे दिया आपने कि एक कंपाउंड है और उससे एक उसको एसिड से रिएक्ट करो कीटोक्साइन में, उसको एसिड से रिएक्ट करो तो ऐसा एक कंपाउंड बनता है जिसके हाइड्रोलिसिस से एनिलीन बनता है, तो अपन कहेंगे ये रहा होगा। क्योंकि एनिलीन तो उसी का बनेगा जो नाइट्रोजन से अटैच होगा। हाँ तो हमने कब कहा कि पार्शियल डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा, हम तो तब ब्रेक कर रहे हैं ना जब एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो लो कर दिया। अपन ये थोड़ी करें, तो अपन ने तो पहले ही लिखा हुआ है ORM1 में कि अमाइड का हाइड्रोलिसिस न्यूट्रल मीडियम में नहीं होता, तो पहले ही लिखा हुआ है एस्टर और अमाइड का हाइड्रोलिसिस न्यूट्रल मीडियम में नहीं होता, ये बात तो अपन ने पहले लिखी हुई है, तो बंद हो एसिड हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, आप देख लो उसमें हाइड्रोलिसिस में थोड़ा सा बताया मैंने आपको, अमाइड का हाइड्रोलिसिस ORM1 में ही बताया होगा।
चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। मेरे पास फिलहाल मैं चाहता हूं ये बन जाए, मैं इसको क्रोमियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करूंगा, किसी से भी रिएक्ट कर लो फर्क नहीं पड़ेगा। चलो क्रोमियम ऑक्साइड ही, वो मतलब काफी अच्छा रिएजेंट होगा अपने लिए। जोन्स रिएजेंट ना, तो अपन को एक कंपाउंड मिलेगा बी, इसको मैं हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्ट करूंगा तो बी मिलेगा, बी को मैं एच प्लस आइन से रिएक्ट करूंगा तो सी मिलेगा, सी को मैं वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करूंगा तो डी मिलेगा, और डी को वाटर के साथ हीट कर लेता तो मुझे ई मिलेगा। अपन को बताना ई क्या होगा, कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है ना, तो चलो भाई देखते हैं। अपन देखेंगे अगर बेंजीन के डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है फिर तो NiH2 इससे तो नहीं कर सकते, 200 डिग्री सेंटीग्रेड लोगे तो हो जाएगा। NiH2 में अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड लिखोगे तो हो जाएगा। क्रोमियम ऑक्साइड आई गेट लाइक दिस, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन। हाइड्रोक्सिलोमाइन, ओके इट इज अ कीटोन, दैट इज एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव एंड एल्डिहाइड इन कीटोन्स, ऑक्साइन बनेगा। ओके इफ आई गॉट अ ऑक्साइन तो अपन को पता है फिर ऑक्साइन में क्या करना होता है, ये ऑक्साइन बन गया। तो मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक सो डजंट मैटर आप इधर लिखो हुआ चाहे इधर लिखो, क्योंकि ये तो पूरा सिमेट्रिक है। एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तब देन इट इज अ बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। ओके तो देन इट इज अ बेकमैन्स रीअरेंजमेंट जैसे अपन लिखते हैं, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई अगर आपने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ये तो अपने पास बी था। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में व्हाट यू राइट, यू विल राइट दैट कि भाई ठीक है OH को इधर ले आते हैं कार्बन के साथ और इसको यहां ले जाते हैं जैसे अपन करते हैं। अभी अपन ने जैसे लिखा था अपने पास CH3 भी था, C2H5 भी था, डबल बॉन्ड NaOH था, तो अपन ने क्या किया था इधर इसको ले आए थे इधर इसको ले गए थे, वैसे तो बनाया था अपने रीअरेंजमेंट, मैंने भी वही कर दिया। अगर ऐसे करूंगा तो मेरे पास ऐसे बनेगा, इसको अगर ऐसे बनाऊंगा तो आई गेट लाइक दिस, यहां पर सी होगा, यहां पर OH बनेगा और ये बॉन्ड का शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्डों का बीच में, इसको टॉटोमराइज करेंगे, कर दिया टॉटोमराइज तो मुझे ऐसे मिलेगा अमाइड मिलेगा। ये मेरे पास C बन गया, C टॉटमराइज करने के बाद अब क्या वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस किया ना आपने, तो यहां पर हाइड्रोलिसिस कर दूंगा। ओके ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर हाइड्रोलिसिस करूंगा तो आई गेट लाइक दिस, फिर मैं इसको हीट करूंगा तो हाइड्रोलिसिस करने से मुझे डी मिल जाएगा, और इसको फिर वाटर के साथ हीट करता हूं तो आई गेट लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5 CH2, C डबल बॉन्ड OH है और इधर NH2 है,
अगर मैं एन एच टू लिखूंगा तो आपने डी ही बना दिया ऐसे, मैं इसको ऐसे बना। मैं क्या करूंगा इसको ऐसे लिखता हूं, NH2 आगे भी लिखता रहूंगा, इधर भी ऐसे होगा NH2 ना, आगे तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, वाटर हटाने वाला, ऐसे एक चेन बनेगा। मतलब मैं क्या करने वाला हूं, ऐसे लिखने वाला, मेरे पास जो कंपाउंड बन रहा है ना वो ये वाला, ये ऐसे बन रहा है। इसका रिपीटेशन बन रहा है और इसमें इधर फिर एनएच आ रहा है और इसमें भी फिर ऐसे आ रहा है। दिस पार्ट ना, जो ये वाला पार्ट इधर है ना, इधर भी लिख सकता हूं, इधर भी लिख सकता हूं, ये अमाइड बन रहा है, अमाइड। और ये पॉलीमर बनेगा, पॉलीमर। कितने कार्बन एटम है इसके अंदर टोटल? नाइलॉन 6। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6, पहले अपन ने लिखा हुआ है, दैट इज जब अपन कॉलम ए कॉलम बी पढ़ रहे थे ना, कि तब मैंने आपको बताया था कि अगर साइक्लिक एस्टर है ना, देयर कॉल्ड लैक्टोज, साइक्लिक एस्टर देयर कॉल्ड लैक्टोज, दिस इज साइक्लिक अमाइड। साइक्लिक अमाइड इज कॉल्ड लैक्टम्स, इज अ साइक्लिक अमाइड। द मॉलिक्यूल विद सिक्स कार्बन एटम एंड द अमाइनो ग्रुप दैट इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम। सिक्स कार्बन एटम के साथ ना जो कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम। सो नाइलॉन 6 हाइड्रोलिसिस ऑफ कैप्रोलैक्टम से बनता है। नाइलॉन 6 में अमाइड लिंकेज भी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोटीन्स में भी अमाइड लिंकेज होती है। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वन ऑफ द पॉलीमर्स। अपन ने बेकलाइट पॉलीमर पढ़ा था, अभी अपन ने नाइलॉन 6 पॉलीमर पढ़ा। This is Beckmann's rearrangement and its application. ये दोनों ही reactions काफी important होते हैं इस chapter में। अपन ने इसमें कुछ भी नहीं किया, पॉलीमर बनाया है, इस मॉलिक्यूल में OH निकाल दो और दूसरे मॉलिक्यूल का NH से H निकाल दो और बॉन्ड बना देना। इसको दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोक्सिलिक एसिड से लिखना, तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड है, OH निकाल दिया, इसका इसका OH निकाल दिया, इसका H निकाल दिया, वाटर अटैक अमाइड लिंकेज बना दिया दो मॉलिक्यूल के बीच में, इसका H निकाला, इसका OH निकाला, फिर वो अमाइड लिंकेज बनाया, वैसे ही फिर इसका H निकाला, दूसरे का OH निकाला, तो वो एक मोनोमर हो गया ना ये डी, एंड दिस इज अ पॉलीमर उसका। ये किया अपन, बाकी कुछ भी नहीं किया। है ना, किसी को डाउट है तो पूछेगा भाई। दिस इज बेकमैन्स रिएक्शन।
अभी इसमें और भी नेम रिएक्शन है बट बेयर को लेकर तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, ये अपन ने पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले पार्ट में, दैट इज अगर कीटोन्स है तो एनी पैरासिट ये एस्टर बनाता है, और अगर एल्डिहाइड है तो एनी पैरासिट ये एसिड बना देगा। ये अपन ने ऑक्सीडेशन में पढ़ा है, इसे भी आप लिख रहे हो वेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, अगर आपको याद होगा तो अपन ऐसे लिखा है। जो पैरासिट्स होते हैं ना वो नेसेंट टॉक्सिन देते हैं, पैरासिट्स गिव्स नेसेंट टॉक्सिन, जो भी पैरासिट होता है वो नेसेंट टॉक्सिन देता है। अब नेसेंट टॉक्सिन मुझे कार्बोनिल ग्रुप के किसी एक तरफ ऐड करना है, कीटोन या तो यहां ऐड कर दो या फिर यहां ऐड कर दो, तो अपन को उस तरफ ऐड कर देना है माइग्रेटरी ग्रुप इस प्रेजेंट, बस हो गया ये लो। इस तरफ बेटर मैच, ये बड़ा एल्काइल ग्रुप है तो अच्छा माइग्रेटरी ग्रुप होता ही है। तो अपन बोल सकते हैं अपन को मतलब रिएक्शन डायरेक्ट देखने वाले हैं, अपन को डायरेक्ट मतलब ऐसे कुछ नहीं करने वाले, कोई ज्यादा कंसेप्चुअल कुछ ऐसे मत पूछेंगे। अगर हमको ऐसे गिवन है अपन को पता है ये तो पैरासिट एल्डिहाइड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अच्छा माइग्रेटरी ग्रुप है इसी को रिएक्ट करना, ये लो भाई बन गया। एल्डिहाइड में जनरली ये रिएक्शन नहीं पूछते, कीटोन्स में पूछते हैं। अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन है तो अपन को पता है किसी एक तरफ ऑक्सीजन ऐड कर दो लैक्टोन्स बन जाएगा, मान लो मैंने ऐसे कर दिया तो अपन कहेंगे ठीक है इस तरफ बड़ा एल्काइल ग्रुप है उस तरफ छोटा एल्काइल ग्रुप है, साइक्लिक है तो क्या होगा ज्यादा कार्बन तो है तो फिर इस तरफ ऐड करो तो बना से ऐड करो, सिक्स में बट बना दो क्या फर्क पड़ेगा, मतलब इसको ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ हमें क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है हमारे लिए, हमें तो जिस तरफ ऑक्सीजन ऐड किया आपने उसके कार्बन से क्या अटैच होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप है ठीक है तो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वी कैन राइट इज रेफरमैट्स की रिएक्शन, रेफरमैट्स की रिएक्शन में क्या होता है, विल राइट एनी एल्डिहाइड इन कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स को अपन पहले रिएक्ट करेंगे जिंक के साथ इन ईथर, फिर उसमें H+ आएगा, एल्डिहाइड कीटोन्स विद पहले दूसरा एक मॉलिक्यूल एनी एल्डिहाइड और कीटो व्हेन रिएक्टेड विद अल्फा ब्रोमोएस्टर्स, तो इन प्रेजेंस ऑफ पहले जिंक के साथ
इन ईथर, जिंक एंड ईथर। और फिर उसके बाद आप एच प्लस एन ऐड करो, एसिड ऐड करो, विल गेट बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स। तो देख लेते हैं भाई अपन क्या करेंगे। चलो कीटोन ले लेते हैं, इसको अल्फा ब्रोमो एस्टर से लिया। अब अल्फा ब्रोमो एस्टर का मतलब हो गया कोई भी एस्टर ले लो आप, कैसे ही भी ये अल्फा ब्रोमो एस्टर हो गया। अब आप ऐसे भी ले सकते हो या हाइड्रोजन की जगह कुछ सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। ठीक है, पहले आपने जिंक के साथ रिएक्ट किया, वो भी इधर। अपन सबको पता है जिंक इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन दो ना, तो ये Sn2 रिएक्शन टाइप ना, और इलेक्ट्रॉन से Br को रिमूव करेंगे, Br इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप ना, तो मुझे क्या मिलेगा वहां से अगर Br लीव करेगा तो Br देखो एक इधर से Br का बॉन्ड ब्रेक होगा ना, अगर तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन बदले में मैं दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं उसमें, ठीक। अगर जिंक एक भी इलेक्ट्रॉन देगा तो मैं एक इलेक्ट्रॉन से बीआर हटा दूंगा, इधर रेडिकल बनाऊंगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट स्टेप में चेक कर लूंगा, दैट विल बी द स्लो रिएक्शन, दैट्स ऑल। एक इलेक्ट्रॉन देगा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा धीरे धीरे, एक इलेक्ट्रॉन आप इसलिए बोल रहे हो बिकॉज ईथर है, अगर एसीटोन होता तो दोनों एक साथ आप जल्दी से बोल देते। तो स्लोली स्लोली, बिकॉज अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो इसका हाइड्रोलिसिस भी बहुत ज्यादा होगा जिंक का, इसलिए अपन ने ईथर ले रखा है ताकि या एसीटोन या ईथर यूज करते हैं, तो ईथर पे धीरे धीरे देगा, लेकिन देगा इलेक्ट्रॉन, रेडिकल बनेगा तो अनस्टेबल होगा, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, व्हाट आई गॉट नेगेटिव चार्ज। दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करेगा तो विल गेट लाइक दिस, विल गेट आर CH2 double bond to OR, अब O negative है, आपको पता है आप proton डाल रहे हो next step में, add कर दो। अगर आप proton add करोगे तो क्या बना आपके पास, proton में ये OH बन जाएगा, क्या मिला आपने पास अल्फा बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स बन गया अपने पास, क्या बना बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन गया। विल गेट द बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स, दैट इज रेफॉर्मेस्ट की रिएक्शन। अब वी कैन राइट एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन,
एल्डोन कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत सारे होते हैं। वैसे अब इसके बाद एक और रिएक्शन अपन लिख सकते हैं, टिशन को रिएक्शन, लेकिन वो रिएक्शन मतलब जनरली पूछते नहीं है, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा उसको। उसमें एल्डिहाइड दैट विल बी एस्टर ना, एस्टर होंगे तो अपन उसको, नहीं एल्डिहाइड्स होंगे तो अपन उसको एस्टर में कन्वर्ट कर देंगे। बट एल्डोन कंडेंसेशन रिएक्शन आर इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, लेकिन ये बहुत सारे रिएक्शन होंगे इसलिए मैं इनको एक साथ ही डिस्कस करना चाहता था। तो एल्डोन कंडेंसेशन रिएक्शंस आर गिवन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड्स, मतलब वो कंपाउंड्स जिनमें सी डबल बॉन्डो ग्रुप होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड व्हेन दे आर ट्रीटेड इन द डाइल्यूट बेस और अगर हीट करोगे तो विल गेट द कंडेंसेशन प्रोडक्ट। विल गेट द कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो जो डाइल्यूट बेस यूज करते हैं ना अपन, वो कोई भी डाइल्यूट बेस हो सकता है। डाइल्यूट बेसिस वो एस ब्लॉक हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं, या तो क्योंकि मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकता हूं, मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकता हूं, मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकता हूं, मैं एल्कोक्साइड भी लिख सकता हूं, मैं CH3CO भी लिख सकता हूं, मतलब दे विल बी द डाइल्यूट बेस। अब एल्डोन कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा, हमको इन ऑल कंडेंसेशन प्रोडक्ट All condensation product, जितना भी अपन कॉन्डेंसेशन प्रोडक्ट बताएंगे ना, आर फॉर्म्ड बाय आर फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। मतलब जितने भी कंडेंसेशन रिएक्शन होंगे ना, उनको अपन कब बताएंगे कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जब उनमें से एक छोटा मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे अपन, लाइक H2O। अभी आपने थोड़ी देर पहले नायलॉन 6 जो बनाया था ना अपन ने पॉलीमर, उसमें वाटर को रिमूव किया था, तो मैं कहूंगा अच्छा आपने उसमें वाटर को रिमूव किया था, इसका मतलब है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। एक होता है एडिशन पॉलीमर, एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो अपन क्या करेंगे, अगर कोई छोटा मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो अपन कहेंगे वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो अपन एक वाटर हो सकता है, अब वो छोटा मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, वो अल्कोहल भी हो सकता है, वो H2S भी हो सकता है, वो एसिटिक एसिड भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, एक्सेट्रा लिख दिया मैंने। एक छोटा मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे अपन, ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो कंडेंसेशन रिएक्शन का वेरी फर्स्ट रिएक्शन मैं लिखूंगा, दैट इज एल्डोन कंडेंसेशन। वैसे कंडेंसेशन रिएक्शन की कंडीशन है एल्डोन, अपन उसका रिएक्शन लिख रहे हैं पहले। इसमें अपन क्या करेंगे, एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, अल्फा एच एटम, इनको अपन बेस के साथ, डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो आई विल गेट दैट एल्डोल प्रोडक्ट।
हीट करूंगा तो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, अगर हीट करूंगा तो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बता दो। चलो एक रिएक्शन लिख के देखते हैं, कोई एक रिएक्शन लिख के देखते हैं। तो जैसे मेरे पास ऐसे के दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के रिएक्ट करूंगा, इसको डाइल्यूट एनियोन से रिएक्ट करूंगा, तो इनको इनको ना मैं मर्ज कर दूंगा तो एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है, तो एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, इसलिए अपन इसको एल्डोल प्रोडक्ट बोलेंगे। और अगर इसको हीट करेंगे तो कंडेंसेशन से मैं वाटर को हटा दूंगा, वाटर इधर से OH निकालूंगा, इधर से हाइड्रोजन या फिर इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन निकालूंगा तो कॉन्जुगेशन में होगा डबल बॉन्ड, तो वहीं से निकालूंगा, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है क्योंकि आपने एक छोटा मॉलिक्यूल निकाला वहां पर, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट अब अपन कंडेंसेशन काफी सारे रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, एक जैसे हैं सब, हमें बस रिएक्टेंट अलग अलग होते हैं, सबके मैकेनिज्म भी एक जैसे होते हैं, सबके कंसेप्ट भी एक जैसे होते हैं। तो एक बार मैकेनिज्म अच्छे से देख लेते हैं, अगर इनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता H2O ये हीट किया ना तो निकल जाएगा, जैसे डिहाइड्रेशन में लिखते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, लिखो H2O कैसे निकला, यहां से OH, यहां से हाइड्रोजन, या फिर यहां से OH, यहां से हाइड्रोजन, इसको हटाओ इधर शिफ्ट, ये हटाओ, ऑब्वियसली बातें वो तो हो गई, उधर डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो कॉन्जुगेशन में आएगा, इस तरह डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, हटा। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इधर मैकेनिज्म की बात, मैं बात कर रहा था अगर इनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता तो मैं कैसे जरूर कर देता, कोई दो एल्डिहाइड है बेस के प्रेजेंस में, अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो कैसे जरूर कर दो, और अल्फा है तो एल्डोल कर दो। मैंने आपसे पहले पूछ रखा है कि अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो बताओ ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा या ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, तो बनने कहा था वन वाला, क्योंकि टू वाले में अगर हाइड्रोजन एच पॉजिटिव जैसे निकालूंगा तो एडजेसेंट एटम के पास इधर नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा और एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर, इम्पॉसिबल, इधर नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा तो लोन पेयर होगा, तो ये कॉन्जुगेशन। ठीक, मतलब मैं क्या करूंगा, पहले ऐसे करूंगा और इसको एनिवन से रिएक्ट करवा दूंगा, आई गेट लाइक दिस, ये कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, लेकिन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा कार्बन के कंपैरिजन, इसलिए अपन
इससे रिएक्शन करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, ये दूसरा मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूल लूंगा तो एल राइट है लाइक दिस, इधर मैंने ये सी एच टू डबल बॉन्ड ओ एच लिखा, ये ऐड किया, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ये स्टार वाला कार्बन एटम है या इसको स्टार लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अपन कहेंगे इसको ऐसे लिख लो आप अच्छे से, क्या प्रॉब्लम है ऐसे लिखने में, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये लो, ये वाला वो कार्बन एटम था आपका स्टार वाला, ये ऐड कर दिया हमने उस कार्बन से, वाटर है हमारे पास, हाइड्रोजन ले लेता फ्रॉम वाटर, वॉट आएगा एल्डोल प्रोडक्ट बन गया मेरे पास, इज एल्डोल प्रोडक्ट। इसको हीट करते हैं तो ये अल्फा एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में लिखा मैंने कि एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में बने अल्फा फिर बीटा फिर गामा ऐसे, लेकिन अपन कहेंगे अगर डिहाइड्रेशन करेंगे तो जैसे अपन अल्फा बीटा एलिमिनेशन करते हैं कि ओ एच जहां से निकालेंगे उसको अल्फा और बीटा उसके एडजेसेंट हाइड्रोजन के साथ, तो अगर यहां से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, इधर से अगर डबल बॉन्ड बनाएंगे ये निकाल के ये हाइड्रोजन और ये एच ओ एच तो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन होगा। This is aldol product, this is aldol condensation product. ये product है। अपन कहेंगे देखो भाई ये condensation product बनाना तो बड़ा easy है, वो तो अपन वैसे ही बना देंगे अगर मतलब हमें condensation product ही बनाना है तो ये तो बड़ा इजी है। कैसे? तो अपन कहेंगे देखो आपके पास किसी एक का कंडेंसेशन मतलब आपको वाटर हटाना है तो एक का ऑक्सीजन हटा दो, एक का ये सी एच थ्री है ना ऐसे, तो एक का ऑक्सीजन हटा देता और एक से दो हाइड्रोजन निकाल देता, लो बन गया आपस में जोड़ दो, दो मॉलिक्यूल आपस में जोड़ दो कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा। तो फिर इतना सारा मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत क्या है? मैंने कब कहा कि मैं इतना सारा मैकेनिज्म पढ़ेंगे? मैं तो ये चाहता था कि जिस स्टेप में कभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वही स्टेप हमारा डिटरमिनिंग स्टेप होता है, जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वही अपना रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो हमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप पता है इसमें क्या होता है, एंडल कंडेंसेशन रिएक्शन में रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये पॉइंट आपका मार्जिन से ऊपर बिल्कुल हमेशा के लिए याद होना चाहिए अपन को कि जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, क्योंकि कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत सारे टाइप के होंगे और कंडेंसेशन रिएक्शन से क्वेश्चन जरूर आता है। ये ए लिखा था अपने, अगर मैं बी ऐसे लिख लेता तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं आप दूसरा ऐसे दूसरा एल्डिहाइड ले लो, हमें क्या फर्क पड़ेगा, अगर प्रोडक्ट लिखना है तो अपन कहेंगे इसमें आपने ऐसे कर दिया, अगर प्रोडक्ट ही लिखना है तो मैं ऐसे कर दूंगा क्योंकि एनाइन तो अल्फा पोजीशन से ही बनेगा क्योंकि कॉन्जुगेशन की वजह से, एनाइन इनसे कभी नहीं बन सकता, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई इसको ऐसे लिख लेता हूं और इसको ऐसे कर देता हूं, ये लो बन गया।
कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है तब तो बड़ा इजी, अदरवाइज आई विल से दैट OH नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस टू फॉर्म एन आयन. ये एनायन इस पर अटैक करेगा टू फॉर्म दिस, तो अपन ऐसे बना देंगे CH3 CH2 O नेगेटिव. इधर H लिख लेते अपन, इधर CH और CH3, ये वाला CH3 इससे अटैच है और ये अटैच करेगा C डबल बॉन्ड वाले से, तो इधर नेगेटिव चार्ज और ये C डबल बॉन्ड. वाटर से प्रोटॉन ऐड कर लेते हैं तो अपन को मिल जाएगा एल्डोल प्रोडक्ट. ये आपको एल्डोल प्रोडक्ट मिल गया, एल्डोल प्रोडक्ट. और कंडेंसेशन प्रोडक्ट के लिए वाटर हटाना पड़ेगा तो अपन हीट करके कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना देते हैं. दिस इज द कंडेंसेशन प्रोडक्ट. That is एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट. तो वो तो ऐसे ही बन जाता है, अपन को पता तो क्या करना होता है. जिसका एनायन बनाओगे उसका कार्बोनिल ग्रुप सेफ रहेगा प्रोडक्ट में, और जिसका एनायन नहीं बनाया आपने उस पर अटैक करेगा, जिस पे एनायन अटैक करेगा उसका ऑक्सीजन एटम वाटर में रिमूव हो जाएगा. अभी अपन यही रुक जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं. कल अपना नेक्स्ट क्लास फिर है, तो पहले अपन डाउट डिस्कस करेंगे ORM 4 के एक्सेस 3 के, और फिर अपन एल्डोल कंडेंसेशन को कंटिन्यू करेंगे. कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर खत्म हो, अगर अपना ये चैप्टर खत्म हो गया तो अपना बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, है ना. और सारा पार्ट रिपीटेशन होगा, आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखोगे, सिर्फ नेम रिएक्शन ही होंगे अपन को जो पढ़ना पड़ेगा. ये कितना बाकी है, बाकी तो होगा, थोड़ा स्लो ही पढ़ा रहा हूँ ना मैं, क्योंकि ये ट्वेल्थ वाला पार्ट भी है. जितना बोलूंगा उतना आपको लिखना भी होगा स्कूल में, स्कूल में आपको वर्ड्स में भी लिखना है और रिएक्शन भी लिखना है, तभी मार्क्स मिलेंगे. सो